कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह के भाई कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा और कहा राम भक्ति दिखाने और शुद्धिकरण से कुछ नहीं होगा, ऐसा करके हम अपना ही नुकसान करेंगे। एक बार फिर कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने अपनी ही पार्टी कांग्रेस को निशाने पर लिया है। लक्ष्मण सिंह ने कहा राम भक्ति दिखाने और शुद्धिकरण से कुछ नहीं होगा, ऐसा करके हम अपना ही नुकसान करेंगे। शुद्धिकरण और राम भक्ति दिखाने से बसपा का ही फायदा होगा। हमें इन मुद्दों से दूर रहकर बुनियादी मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सही मुद्दों को उठाती है, सही मुद्दों पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और धार्मिक मुद्दे से हटकर ये शुद्धिकरण और ये जय श्री राम ये कांग्रेस करेगी तो कांग्रेस का वोट बढ़ेगा नहीं, बहुजन समाज पार्टी का वोट जरूर बढ़ जाएगा। हम बहुजन समाज पार्टी की मदद कर रहे हैं इस तरह करके, इसलिए हम केवल और केवल उन मुद्दों पर चर्चा करें, दल बदल वाला मुद्दा है, विकास का मुद्दा है और जनता से जुड़े मुद्दे जो हैं उनको हम उठाएं तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, और नहीं तो फिर बसपा जो है उसको लाभ निश्चित रूप से होगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज।